वामपंथी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, सुनो सभी लोग जो है आज मानव श्रृंखला मनाने का काम किया है। पंचायत स्तर पर गांवों में लोग जो हैं मानव श्रृंखला वहां बना करके लोग खड़े हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं मानव श्रृंखला बनाने का मकसद यही है कि किसानों के सॉलिडिटी में हम लोग जो हैं खड़े हैं। जो काला बिल आया है जो कि किसान विरोधी बिल है, जो कि केवल और केवल पूंजीपतियों का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसमें किसान खेत सारी चीज़ें जो हैं निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। सही मूल्य जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा है, MSP का जो है कहीं भी जिक्र नहीं है। और लगातार शांतिपूर्ण ढंग से देश भर के किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को लगातार बदनाम करने की साजिश सरकार और BJP द्वारा की जा रही है। दुखद बात यह है कि 2006 में ही सबसे पहला अगर किसानों पर हमला अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। मंडी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, बाजार समिति को ख़त्म कर दिया गया, किसान जो है बिहार का मजदूर बना, मजदूर जो है पलायन हो गए। अब किसान इतना कमज़ोर है कि अब तो सीजनल लोग आते हैं, रोपनी हुआ कटनी हुआ उसमें लोग आता है। लेकिन स्थिति वाकई में अगर बिहार की अगर देखी जाए तो अभी भी धान की खरीद नहीं हो पा रही है। जो MSP जो रेट है, जो धान का जो फसलों का जो उचित दाम मिलना चाहिए वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा, और अभी भी खरीदारी जो है वो हो नहीं रही कई जगह। तो हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। इन तीन तमाम बिलों के बारे में नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बताना चाहिए कि किसान आंदोलन जो है वो सही है या गलत है, या APMC जो ख़त्म हुआ, बाजार समिति मंडी व्यवस्था, उससे बिहार के किसानों को क्या लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये नीतीश कुमार जी को खुल करके जो है इसमें आकर के अपनी बात को रखनी चाहिए। और हम लोग जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक जो है हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। आज उन्होंने कहा कि अच्छी बात है।